नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है, ब्राज़ील ही नहीं दुनिया के कुल 20 देशों में नहीं लगता है भारतीयों का पीछा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हाल ही में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भारतीयों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राष्ट्रपति जेयर ने चीन और भारत के नागरिकों के लिए वीजा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके साथ भारत अमेरिका, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया की कैटेगरी में आ गया है जिनके नागरिकों को ब्राज़ील में वीजा की छूट मिली हुई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए ब्राज़ील गए थे, वहीं पर यह समझौता संपन्न हुआ। हालांकि ब्राज़ील के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां जाने के लिए भारतीयों को वीजा की ज़रूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए जानते हैं उन देशों के बारे में। तो दुनिया के 20 देश हैं जिसमें अरब के देश भी शामिल हैं जहां पर आपका वीजा नहीं लगेगा। फिलिस्तीन स्वतंत्रता को लेकर चल रहे संघर्ष के लिए जाना जाता है। भारत फिलिस्तीन आंदोलन का बहुत पुराना सहयोगी रहा है। यहां भारतीयों के लिए बिना वीजा के रह सकते हैं। तो ये पहला अरब देश हो गया फिलिस्तीन। त्रिनिदाड एंड टोबैगो अटलांटिक महासागर के मध्य इलाके के स्थित कैरेबियन सागरी देश। त्रिनिदाड एवं टोबैगो से भी भारत के काफ़ी अच्छे संबंध है, साथ ही यहाँ पर भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी जनसंख्या है। यहाँ भी भारतीयों के लिए बिना वीजा के 6 महीने रह सकते हैं, लेकिन विजिटर के पास भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। सेंट विसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स, यह भी एक कैरेबियन सागरी देश है जहाँ भारतीय बिना वीजा के 30 दिन तक रह सकते हैं ग्रेनेडीन्स में। और सेंट किट्स एंड नेविस भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित यह देश कैरेबियन सागर द्वीप पर स्थित है। भारतीयों के लिए 30 दिन तक बिना वीजा के रहने की अनुमति प्राप्त है और यहाँ नहीं लगता है भारतीयों का वीजा। वानुवातु साउथ प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश है। वानुवातु भारतीयों के लिए 6 महीने तक बिना वीजा के रहने की इजाज़त देता है। गौरतलब है कि भारत और प्रशांत द्वीप के देशों के बीच बहुआयामी संबंध है, जो अगस्त 2015 में भारत में आयोजित भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच फेपिक के सफल द्वितीय शिखर सम्मेलन के जरिए और घनिष्ठ हुए हैं। सेनेगल वेस्टर्न अफ्रीका के अटलांटिक तटीय इलाके में स्थित देश। सेनेगल में भारतीय बिना वीजा के 90 दिनों तक रह सकते हैं। और फिलिस्तीन, जो कि स्वतंत्रता के लेकर बहुत संघर्ष चले थे, यहाँ भी भारतीयों को बिना वीजा रहने की इजाज़त है। अगला है माइक्रोनेशिया। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जहाँ भारतीय बिना वीजा के 30 दिनों तक रह सकते हैं। मॉरिशस दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित यह द्वीपीय देश। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की अधिकता है, यहाँ भारतीयों के लिए 60 दिनों तक बिना वीजा के रहने की इजाज़त है। गौरतलब है कि मॉरिशस भारतीयों के लिए बेहद फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और भारतीयों का सबसे पसंदीदा देश भी माना जाता है, क्योंकि मॉरिशस से भारत के बहुत ही अच्छे और सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं। वहाँ के गांव गली का नाम भी अयोध्या, बनारस, काशी, मथुरा इस नाम से हैं। वो हिंदी वहाँ बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। जैमिका कैरेबियन सागरी द्वीप पर स्थित। जैमिका में भारत के लोग 14 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं। और अगला देश मकाऊ। मकाऊ जो कि पर्ल नदी डेल्टा पर स्थित है और चीन के प्रशासनिक इलाके में आने वाला यह देश है। इसके दक्षिण पूर्व में दक्षिणी चीन सागर है। भारत के लोग यहाँ 30 दिन तक बिना वीजा के रह सकते हैं। तो पर्ल नदी के डेल्टा पर स्थित यह देश है और इसका प्रशासनिक इलाका जो है चीन है। इसके दक्षिण पूर्व में दक्षिण चीन सागर है। भारत के लोग यहाँ 30 दिनों तक बिना वीजा के ठहर सकते हैं। अगला मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया। पूर्वी हिंद महासागर पर ज्वालामुखी द्वीप पर स्थित देश है इंडोनेशिया। 3000 द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ बाली द्वीप है, यहाँ पे रामायण का पाठ पूरे साल भर चलता रहता है। इंडोनेशिया 3000 द्वीपों से मिलकर बना देश है जहाँ भारत के लोग 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं। भारत से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं इसके। तो यहाँ पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ चेक की जाती है।
हैती, जो कि हैती कैरिबियन देश में हैं। ये भारत के लोग यहाँ 90 दिन तक रह सकते हैं बिना वीजा के, बस आपके पास पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक की जाती है। फिजी यह पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यहाँ भारतीय मूल के लोगों की भारी तादाद है और भारतीय मूल के लोग यहाँ प्रधानमंत्री भी होते हैं। कोई प्रधानमंत्री करके हैं चौधरी वो हुए थे। यहाँ भारत के लोग 120 दिन तक बिना वीजा के ठहर सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान के अतिरिक्त दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां भारतीयों को जाने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता है। हमारे देश से बेहतर आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों के चलते कई कैरेबियन देशों के साथ साथ लैटिन अमेरिका के देश और यूरोपीय देश भी भारतीयों को बिना वीजा के अपने देश में घूमने फिरने की इजाज़त देती हैं। वर्तमान समय में 20 ऐसे देश हैं जहाँ भारतीयों को वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला नंबर सल्वाडोर या प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के लोग 30 दिन तक रुक सकते हैं। पासपोर्ट की वैलिडिटी अगले 6 महीनों के लिए होनी चाहिए। इक्वाडोर साउथ अमेरिका का एक गणतांत्रिक देश है जो भारत के लोगों के लिए एक साल के भीतर 90 दिनों तक बिना वीजा के ठहरने की इजाज़त देता है। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका गणतांत्रिक देश। ग्रेनेडा मूल रूप से कैरिबियन देश। ग्रेनेडा में भारतीय 90 दिनों तक बिना वीजा के ठहर सकते हैं। डोमिनिका वेस्ट इंडीज़ का एक कैरिबियन देश है। भारत के लोग यहां 6 महीने तक बिना वीजा के रह सकते हैं। डोमिनिका जो कि वेस्ट इंडीज़ का एक कैरिबियन द्वीप है देश है। नेपाल भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित एक लैक लॉक्ड देश है जो भारत से आर्थिक सांस्कृतिक रूप से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यहां जाने के लिए भारतीय लोगों को वीजा नहीं लेना पड़ता। भूटान भी भारत का बहुत ही करीबी पड़ोसी देश है। या भारतीयों के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। और 25 अक्टूबर को ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने भारत के लोगों के लिए वीजा लेने की अनिवार्यता ख़त्म कर दिया। साउथ अमेरिकी देश ब्राज़ील दुनिया का 5वां बड़ा देश है। तो ये था बिना वीजा वाले देशों का लिस्ट। अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।